8.3 लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करनी है। पहले का ए कैंची का क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य अर्थात खरीदने वाला मूल्य, कैंची को जो खरीदा गया मूल्य है वो 250 रुपए और कैंची को बेचा है अर्थात कैंची का जो विक्रय मूल्य है वो है 325 रुपए। अर्थात यहाँ पर क्रय मूल्य 250, विक्रय मूल्य 325, खरीदा कम में है बेचा ज्यादा में है, क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज्यादा है, अर्थात यहाँ पे लाभ होगा और लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से तात्पर्य है बेचा गया मूल्य, वस्तु को बेचा जाने वाला जो मूल्य है वो विक्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य अर्थात वस्तु को जिस मूल्य में खरीदा जाता है वो होता है क्रय मूल्य। तो यहाँ पर कम में खरीदा है और अधिक में बेचा है तो लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ का सूत्र है। 325 रुपए विक्रय मूल्य है माइनस के 250 रुपए, क्रय मूल्य 250 रुपए, तो 325 रुपए में से 250 रुपए को घटाया तो 75 रुपए लाभ आ गया है। हमें यहाँ पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है वो होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ है 75 बटे क्रय मूल्य 250 इंटू 100। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 30% जो है लाभ हमें प्राप्त होगा। दूसरा सवाल है बी, रेफ्रिजरेटर जो खरीदा है वो खरीदा है 12,000 रुपए में और खरीद कर उसको बेचा है 13,500 रुपए में। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य आ जाएगा 12,000 रुपए और रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य आ जाएगा 13,500 रुपए। कम में खरीदा है ज्यादा में बेचा है तो लाभ होगा। लाभ का सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 13,500 माइनस के 12,000, 13,500 में से 12,000 को घटाया तो 1,500 रुपए लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो लाभ है 1,500 रुपए, क्रय मूल्य 12,000 रुपए इंटू 100 प्रतिशत में बदलने के 100 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर 2,000 से 2,000 एक जीरो से एक जीरो कटा, 150 में 12 का भाग दिया तो 12.5% रेफ्रिजरेटर का जो है लाभ प्रतिशत हमने यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। सी सवाल है, अलमारी का जो खरीदा गया मूल्य है वो 2,500 रुपए और खरीद को जो बेचा, खरीद कर जो बेचा है वो 3,000 रुपए में, अर्थात अलमारी का जो क्रय मूल्य दिया है वो 2,500 रुपए और विक्रय मूल्य दिया है 3,000 रुपए। इस सौदे में संपूर्ण सौदे में लाभ होगा तो लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 3,000 रुपए माइनस के 2,500 रुपए लाभ हुआ 500 रुपए का। प्रतिशत लाभ क्या करना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, 500 बटा 2,500 इंटू 100, इसको हल किया तो 20% लाभ प्रतिशत में प्राप्त होगा। डी है, एक स्कर्ट का क्रय मूल्य दिया है 250 रुपए, अर्थात स्कर्ट को 250 रुपए में खरीदी और 150 रुपए में बेची, तो ज्यादा में खरीद कर कम में बेची है तो हानि होगी। हानि का जो सूत्र होता है वो होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया है 250 रुपए माइनस 150, 250 में 150 घटाए तो 100। अब यहाँ पर हानि हो रही तो हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ के स्थान पे हानि रखना है बाकी पूरा सूत्र वैसा का वैसा रहेगा। तो हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, 100 बटे 250 इंटू 100, इसको हल करेंगे तो 40% हानि हमें प्राप्त हो जाएगी।